सो हे गाइस, व्हाट इज अप, स्वागत है आपका। और गाइस, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वन प्लस के तरफ से आने वाले 50 इंच के एक 4K टीवी का। और गाइस, ये हमारे चैनल का आज तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा रिव्यू होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने भाई के इस छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर करें और इस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे जैसे मैं चैनल पर एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग एंड क्विक इंस्टॉलेशन, उसके बाद मैं आपको बाकी की टेक्निकल चीज़ें समझा देता हूँ। कितना पड़ेगा मूवी वाल का? साढ़े 800। बाद में करवा लेंगे, मतलब वो बाद में हम लोग उसको अपग्रेड कर सकते हैं ना। फिक्स है, हाँ फिक्स है। तो वैसे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये ड्रिलिंग करवाने जा रहे हैं तो नीचे आप कोशिश करो, अगर आपके पास बेड वगैरह है वहाँ पे तो आप इस तरीके से पेपर को चिपका लो ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, कचरा साफ़ करने बाद में दिक्कत ना हो। तो वैसे अभी हमारा टीवी स्टार्ट हो रहा है, हो गया। अब गाइस, हमारा सेटअप हो रहा है अभी टीवी का। तो गाइस देखो, जब आप ये टीवी बाय करोगे तो आपको कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो अप करने होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने किसी भी बड़े यूट्यूबर को नहीं देखा कि उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर अप किया हो। तो अगर आप पहली बार अगर एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी बाय करने वाले हो तो ये वीडियो का ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको स्किप करके मत देखना। और अगर आपको ये पॉइंट वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना, जो स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी लेने का प्लान करें उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना। तो जो सबसे पहला स्टेप है, जब आपके घर पर टीवी आएगा और जो बंदा आपको डिलीवरी करने आएगा वो आपको चेक करके बता देगा कि ये जो पैनल है एक्चुअली में काम करता है, आपको टेस्ट करके दिखा दिया जाएगा। और उसके बाद आपको एक सर्टेन टाइम दे दिया जाता है जिस टाइम में आपको एक इंजीनियरिंग टीम से कोई बंदा आएगा इंस्टॉलेशन के लिए। और इंस्टॉलेशन के लिए आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, अगर स्पेशली अगर आप वॉल माउंटिंग करवाना चाहते हो उस केस में। सबसे पहले मैं आपको माउंटिंग के बारे में बता देता हूँ, आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, या तो आप टेबल के ऊपर में उसको अपने टीवी को रखवा सकते हो अगर आपके पास कोई बड़ा सा टेबल है उस केस में। और टेबल के लिए आपको स्टैंडिंग के लिए आपको पूरा मेटल का स्टैंड दिया गया और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी हैवी मेटल यूज़ किया गया। वहीं पे MI का मेरे घर पे टीवी है 43 इंच का, उसमें जो स्टैंड यूज़ किया गया वो पूरा प्लास्टिक का है, तो ड्यूरेबिलिटी को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी अच्छे मेटल यूज़ किए गए हैं वन प्लस वाले टीवी में। और दूसरा, आपको जब वॉल माउंटिंग करवाने वाले हो तो आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लेकर रखना है कि आपको किस पोजीशन पे, आपको अगर वॉल माउंटिंग करवाना चाहते हो तो आपको घर के किस कोने में और कहाँ पे कितना हाइट वगैरह, वो सब आप पहले से थोड़ा सा डिसाइडेड रहोगे तो आपको उस वक्त हड़बड़ाहट नहीं रहेगी और आपको इंस्टॉलेशन के टाइम थोड़ा सा ईजी रहेगा। और वॉल माउंटिंग में आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, पहला एक स्टडी हो जाएगा, जैसे आप ये पेंटिंग फिलहाल आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इसमें अब मोशन वगैरह नहीं होगा ना, इसको मैं टिल्ट कर सकता हूँ ना ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। और दूसरा आता है, इसमें आपको एक आर्म का ऑप्शन मिल जाता है जो कि 350-400 रुपये डिपेंडिंग अपॉन आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप 40-45 हज़ार रुपये का अगर कोई टीवी बाय करो तो 400-500 रुपया उस वाले आर्म पे इन्वेस्ट करो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगर आप सोफ़ा वगैरह पे बैठ के टीवी देखना चाहते हो तो उसको आप हल्का सा अपने सहूलियत के हिसाब से टिल्ट कर सकते हो, अगर आप खड़ा होकर कंटेंट देखना चाहते हो तो आप उसको बेंड भी कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कब टीवी को यूज़ करो, किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो, आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो कि आपको इस टीवी के अंदर में मिल जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानना है उस केस में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आप पूरे वेबसाइट के ऊपर में जाकर हर छोटा छोटा डिटेल पढ़ सकते हो। अगर मैं पूरा डिटेल बनाने बैठूंगा तो ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। तो एज अ जनरल पब्लिक को जो चीज़ें जरूरत पड़ने वाली उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको दो USB पोर्ट मिल जाएंगे, तीन आपको HDMI का पोर्ट मिल जाता है और एक आपको इथरनेट पोर्ट मिल जाएगा और एक ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है। अगर आपके घर में पहले जैसे आप केबल कनेक्शन लगा के टीवी वगैरह यूज़ करते थे, अगर आप वो काम करना चाहते हो तो इसमें आपको उसके लिए भी डेडिकेटेड पोर्ट मिल जाता है। तो आपको पोर्ट्स को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप HDMI केबल के थ्रू आप PC या लैपटॉप के भी डिस्प्ले को अपने टीवी के ऊपर में लगा के यूज़ कर सकते हो। और वहीं पर बात करें इसके टोटल वेट के बारे में, तो ये जो टीवी आपको 9.7 kg के वेट के साथ आता है और सिर्फ नीचे में जो आपको हल्का सा बेजल दिखाई देगा, इसके अलावा जो तीन साइडेड है वो पूरा का पूरा आपको
पूरा बेजलेस डिज़ाइन के साथ आता है, और जब आपका टीवी बन रहेगा उस वक्त तो पता भी नहीं चलता कि बेजल्स कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप थोड़ा सा पास में जाके ऑब्जर्व करोगे तभी आपको दिखाई देगा, और जब आप टीवी चला के भी देखोगे तब भी उस वक्त बहुत ही माइन्यूट सा बहुत पतला सा बेजल दिखाई देता है। अब गाइस देखो, एक इसमें आपको मिसलीडिंग फैक्टर मुझे देखने को मिला, जो कि मुझे थोड़ा सा मैंने जब रिसर्च किया था मुझे पता चला कि इसमें HDR पैनल दिया हुआ है, लेकिन इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो मात्र 280 निट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है एक HDR पैनल के लिए। एटलीस्ट 400 से 600 निट्स अगर रहता ना उसके, इसमें वो पैनल आपको HDR कंटेंट अच्छे तरीके से विजुअल क्वालिटी में दिखाने के कैपेबल होता है। और गाइस अगर आप डिज्नी हॉटस्टार यूज़ करते हो उस वक्त आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसमें जब आप इसको कुछ भी कंटेंट वगैरह को प्ले करोगे तो वो 5.1 पे स्विच रहता है। अगर आपने कुछ एडिशनल 5.1 का स्पीकर वगैरह कनेक्ट नहीं किया अपने टीवी से उस वक्त आपको एक चीज़ का दिक्कत होगा, जो वॉल्यूम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है स्पीकर से। इवन आप 100% पे भी प्ले कर दोगे तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा नॉर्मल वॉल्यूम में, जैसे आपको 25-30% पे इतना वॉल्यूम मिलता था उतना आपको 100% में मिलेगा। तो आपको सेटिंग में जाके ऑडियो अलग को 5.1 को हटा के नॉर्मल सेटिंग में करना पड़ेगा, तब आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। वहीं पे Amazon Prime वगैरह में इस तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं था 5.1 का, तो वहाँ पे आपको ये सारे इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो गाइज ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी का इशू है, तो ये धीरे धीरे वक्त के साथ जब डेवलपर्स को ये चीज़ें पता चलेंगी तो वो वक्त के साथ फिक्स कर देंगे, ये कोई टीवी का फॉल्ट नहीं है। और गाइज कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इस टीवी के अंदर में आपको सेटिंग के अंदर में ही डिफॉल्ट में आपको जो फ्रेम रेट्स रहते हैं उसको स्मूदन करने का ऑप्शन मिल जाता है, और वो डिफॉल्ट पे हाई में सेट किया रहता है। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप मूवीज़ देखने के लिए इस टीवी को ले रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको सबसे पहले जाके ऑफ कर देना, क्योंकि ये जो मूवीज़ वगैरह जो बनते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो 24 FPS पे शूट किए जाते हैं, जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो 24 FPS पे ही हो पाता है। तो अगर आप इसको स्मूदन करके 60 FPS पे जब ये करेगा तो आपको वो फील नहीं आ पाएगा, वो थिएटर वाला आपको मज़ा नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप मूवीज़ के ज़्यादा शौकीन हो उस केस में आप इसको ऑफ करके ही रखना। कुछ फुटेजेस वगैरह मैंने रिकॉर्ड किए थे इस टीवी पे, तो मैं पहले आपको वो सैम्पल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको एक कलर एक्यूरेसी का अंदाज़ा मिल जाए। ऑल्दो मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि जो मोबाइल फ़ोन में आप जो चीज़ें देखने वाला जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो आपको रियल लाइफ सिनेरियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है, और जो आपको रियल लाइफ में जितना इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल पाएगा रियल लाइफ आप खुद से जब नज़दीक से जाके टीवी को देखोगे उसका अलग ही मज़ा है, वहीं पे मोबाइल फ़ोन में उस लेवल की एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। स्टिल आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको क्या मिलेगा इस टीवी के अंदर में, तो आप पहले सैम्पल देख लो। तो गाइज ये जो दो केबल्स आपके अभी दिखाई दे रहे हैं ये टीवी के साथ ही आता है, आप इसको जब खींचोगे तो हल्का सा क्लिकनेस का साउंड आता है, और उसके बाद ही आप इस टीवी को निकाल सकते हो। अगर आप इसको खींच के बिना खींचे अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये लॉक नहीं पड़ा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको खींच के निकालना। आप चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो, पीछे में माउंटिंग रहता है आप उसको इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो। अभी हमारे विकास भाई इसको हाइड करके आपको दिखाएंगे, तो पीछे में जो माउंटिंग लगा के दिया गया है उसके ऊपर में आप आराम से उसको हाइड कर सकते हो, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। और क्वालिटी भाई साहब पैनल की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हो। अब गाइस इस टीवी के अंदर में आपको 30 वाट का डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर भी लगा हुआ है, और उसकी लाउडनेस मुझे एडिक्वेट लगी, बिल्कुल भी फटता नहीं। मैंने 100% पे भी कुछ NCS के स्टॉक फ्री म्यूजिक्स वगैरह प्ले किए थे तो कहीं पे भी फट नहीं रहा था, बस मुझे बेस की कमी लगी। मैंने कुछ सैंपल्स रिकॉर्ड करके रखे हैं तो पहले आप वो सैंपल्स वगैरह देख लो ताकि आपको एक लाउडनेस का अंदाज़ा मिल जाए।
अब गाइस इस टीवी के कुछ कॉन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला, इसमें आपको मात्र 2 GB रैम और 16 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और जो 16 GB इंटरनल स्टोरेज है उसमें से आपको यूजेबल जो मिलेगा वो मुश्किल से 5 से 6 GB के आसपास ही मिलेगा। बाकी सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी के जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उसके वजह से ही बाकी का सारा स्पेस कंज्यूम होता है। और 2 GB रैम आज के टाइम में भाई साहब इतने महंगे टीवी में यार बहुत कम होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इस पैनल में हल्का सा बैकलिट ब्लीडिंग मुझे देखने को मिला। मेरे पास जो MI का टीवी है उसके पैनल में और इसके पैनल में मुझे कोई भी ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आया, बिल्कुल इक्विवेलेंट से ही थे। ऑल्दो वो 4K पैनल था और मेरे पास जो है वो 1080p का पैनल है, तो हल्का सा जो आपको पिक्सल्स दिखेंगे वो 4K वाले में थोड़े से कम दिखेंगे, वहीं पे आपको 43 इंच वाले 1080p में थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े आपको पिक्सल्स नोटिस होते हैं। लेकिन आप 6-7 फीट की अगर दूरी पर बैठ कर देखते हो तो आपको कुछ भी घंटा नहीं पता चलेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो गाइस देखो, अगर आपका बजट 40 से 45 हज़ार रुपये के बीच में है और किसी अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ ही जाना चाहते हो, उसके इसमें आप इसके साथ जा सकते हो। बस एक HDR वाला जो चीज़ था वो मुझे हजम नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, इसमें आपको अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए OnePlus के अलावा, अगर आप कुछ अल्टरनेटिव खोज रहे हो तो आप किसी Samsung के पैनल के साथ जा सकते हो। सेम बजट में आपको वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी। और Samsung के पैनल्स में मैंने देखा है जो पीक ब्राइटनेस रहता है वो 350 से 400 निट्स तक जाता है, तो वहाँ पे आपको जो कंटेंट का जो इमर्सिव एक्सपीरियंस रहेगा, अगर आप कुछ HDR वाले कंटेंट्स देखते हो तो आपको ज़्यादा बेहतर आपको आउटपुट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, आप चाहो तो ये वाले वीडियोज़ जाके देख सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, पीस आउट।